हेलो फ्रेंड, आजकल कौन व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता है। लेकिन आपको पता है क्या, एक ही नंबर से तो मल्टीपल व्हाट्सएप यूज़ कैसे कर सकते हैं आप? बिना कोई नंबर से कोई दूसरा व्हाट्सएप कैसे खोलता है जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं? आपको शायद पता नहीं है कि एक ही नंबर से दो दो व्हाट्सएप यूज़ कर जाता है, और कोई बिना कोई नंबर से भी कोई हम व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ अपना गूगल क्रोम के अंदर में हम ये सब कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि कोई नंबर से आपको व्हाट्सएप चलाना है और एक ही नंबर से दो व्हाट्सएप चलाना है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो को चलो स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन पे, यहाँ पे हम ये काम कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ये क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गए। आप ये काम मोबाइल में कर सकते हैं। करने के लिए पहले आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। आप पहले अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए इसको होम पेज पे जाए, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पहले आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देना है। तो चलो हम यहाँ पे सर्च करते हैं क्या लिखना है। तो आप सर्च बार पे जाए, यहाँ पे लिखना है आपको व्हाट्सअप एप, WSET व्हाट्सअप वेब। यहाँ पहले ऑप्शन आ गया व्हाट्सअप वेब का, तो हम व्हाट्सअप वेब पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड, व्हाट्सएप ऐसा बहुत सारा बोलेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डाउनलोड करना है और कुछ किसी में भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे पहले जो ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लगेगा आपको, और आपको बोल रहे हो कि ये सिर्फ आप अपना व्हाट्सएप एक ही नंबर से दो व्हाट्सएप, ऐसा नहीं, आप किसी के व्हाट्सएप भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक QR कोड आएगा, देख सकते हो आप, इधर एक QR कोड आ जाएगा। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है साइड में। आपको कैसा ये यूज़ करना है इसका पूरा ऑप्शन दिया रखा है, क्या कैसे आपको इसको, QR कोड आ गया देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे आपको इसके सेटिंग्स के बारे में बताया गया है, और आप ये थोड़ा स्क्रॉल करके तो नीचे यहाँ पे एक वीडियो भी मिल जाएगा कैसे आप ये यूज़ करना है, और यहाँ पे एक हेल्प सेंटर भी दिया गया है, इसमें आप क्लिक करते तो यहाँ पे बंगाली में रखा है। तो पहले इसका लैंग्वेज सेटिंग करते हैं हम लोग। लैंग्वेज में जाके हम इसको इंग्लिश पे कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है, ये कोई फेक नहीं है। इसमें आप कैसे लॉग इन करते हैं, कैसे लॉग आउट कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ डिटेल्स मिल जाए आपको, मिल जाएगा। आप ये पढ़ सकते हो अपना जब करोगे। तो हम ये बंद कर देते हैं अपने, फिर यहाँ पे QR को रीलोड कर लेते हैं हम लोग। ये QR को रीलोड हो गया, तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं। अभी हम लोग मोबाइल की स्क्रीन में आते हैं और अपना व्हाट्सएप ओपन करना है आपको। इसके बाद आपको सिंपली ऊपर थ्री डॉट में जाना है, थ्री डॉट में क्लिक करके व्हाट्सएप ऐप को क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस टाइप के एक स्कैनर शो हो जाएगा, इससे आपको उस कोड को स्कैन करना है अपना मोबाइल से। स्कैन करने के बाद थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, लोडिंग ले रहा है। आप ये किसी के व्हाट्सएप भी आप अपना मोबाइल में यूज़ कर सकते हो इस टाइप के। तो ये देखो, ये व्हाट्सएप आ गए। ये व्हाट्सएप अपना पूरा बिल्कुल सुरक्षित है, ये व्हाट्सएप आ गए। आप यहाँ से आपको पूरा डिटेल्स देख सकते हो, आप किसी के व्हाट्सएप इस टाइप के देख सकते हो कि वो किसके किसके साथ मैसेज किया है, ये क्या क्या, आप उसके होके रिप्लाई भी कर सकते हो और चैट भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो यहाँ से आप इस टाइप। और ये देखने में भी अच्छा है, एक साइड में नेम रहेगा और एक साइड में आप मैसेज कर सकते हो। तो चलो मैं दिखाता है एक आदमी को मैसेज करके। तो इधर आ गए, इधर नीचे आपको मैसेज का ऑप्शन लिखना है, इधर पे कुछ लिखना है, जैसे हम लोग हाय लिखते हैं,
लेके एंटर प्रेस करते और सेंड कर देते तो उसके बाद मैसेज चला जाता। तो आप किसी की इस टाइप करते तो उसका होके आप मैसेज कर सकते हो, देख सकते हैं ये मैसेज चला गया, फिर और एक मैसेज देते हैं हम लोग। देख सकते हो ये भी चला गया। तो आप भी इस टाइप से एक ही नंबर से दो व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, और किसी की व्हाट्सएप भी अपना क्रोम में देख सकते हो, और वो किसके किसके साथ मैसेज किया है वो भी आप देख सकते हो। ऊपर आपको इस टाइप के थ्री ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें पहला है आपको स्टेटस चेक कर सकते हो, इसमें क्लिक कर दे तो आपको पूरा स्टेटस जो है यह शो होगा। पूरा स्टेटस आ गया, फिर आपको एक थ्री डॉट के ऑप्शन मिल जाएगा, ये कट कर देते हैं हम लोग। फिर आप इस थ्री डॉट में क्लिक करते हो तो आपको इधर पूरा सेटिंग्स, लॉग आउट का ऑप्शन सब कुछ मिल जाएगा इधर, इधर से आप सब सेटिंग वगैरह। तो आप लोग इस टाइप से किसी के व्हाट्सएप भी अपना मोबाइल में यूज़ कर सकते हो। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आए, तो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक।